सबके चाहते हो और मैं नहीं हर वक्त बढ़िया से मैं के बैठ के चाहते हो आप हम आपको नहीं छोड़ेंगे मैं भी कहाँ जा रहा हूँ मैं भी नहीं छोड़ूंगा आपको नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है लेकिन बात जी है क्या आपने इतनी मेहनत की और आपने हमने आपके लिए बहनों ने आपको चुना आपको बोल दिया था भैया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। मोहन यादव सूबे के नए मुख्यमंत्री होंगे। चुनावी नतीजों के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कोई कह रहा था कि शिवराज ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो कोई किसी और बीजेपी नेता के मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहा था। लेकिन मोहन यादव का नाम दूर दूर तक नहीं था। 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी और मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया। सवाल है कि अब शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे, उन्हें कौन सी नई जिम्मेदारी दी जाएगी, इसे लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के सीएम पद से हटते ही अब उनके अगले कदम की चर्चा तेज हो गई है। बम्पर जीत के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा आकर अगले लोकसभा चुनाव में सभी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा किया था, उससे ये कहा जा रहा है कि शिवराज की नज़र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर है। बता दें कि मध्य प्रदेश की सभी 29 में से सिर्फ छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसी सीट है जो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। यहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। ऐसे में शिवराज के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद छिंदवाड़ा आकर लोकसभा की सभी सीटें जीतने का दावा करना यही संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं शिवराज के मन में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जरूर है। हो सकता है कि वो छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़े, हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा। कमलनाथ के गढ़ में विधानसभा चुनाव के परिणाम एक तरफा कांग्रेस के फेवर में आए थे। सातों सीट पर बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। ऐसे में शिवराज ने यहां आकर हार से मायूस कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा ही था। वहीं छिंदवाड़ा के पातालेश्वर में उस आदिवासी कार्यकर्ता के यहां भी भोजन किया था जहां से बीजेपी को जीत मिली थी। यहां शिवराज के इस कदम से आदिवासी वोट बैंक में अच्छा मैसेज भी गया था। लेकिन यहां जब शिवराज भोजन कर रहे थे वहीं उस वक्त अमित शाह का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा था कि इस बार मध्य प्रदेश में नया सीएम पद नए चेहरे को मिलेगा। ऐसे में पत्रकारों के पूछने पर शिवराज का यही कहना था कि वो लोकसभा की सभी सीटों को जिताकर मोदी जी को जीत की माला पहनाएंगे। भले ही विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में बीजेपी सातों खाने चित हो गई, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में शिवराज ने जिस परासिया विधानसभा में रोड शो किया था वहां पर बीजेपी उम्मीदवार की हार का अंतर काफी कम रहा। यहां पर ज्योति डेहरिया को कांग्रेस उम्मीदवार ने महज 2100 वोटों के अंतर से ही मात दी, जो छिंदवाड़ा जिले में सबसे कम रहा। इससे समझा जा सकता है कि कमलनाथ के गढ़ में भी शिवराज की लोकप्रियता कम नहीं है। ऐसे में पार्टी उन्हें छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल अब देखना होगा कि पार्टी शिवराज को कौन सी नई जिम्मेदारी देती है। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।